हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीवो फ़ोन बहुत बंदे चला रहे होंगे आज के टाइम पर। तो दोस्तों, हम वीवो फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स बताएंगे। वैसे फ़ीचर्स तो आपको बहुत को पता होगा, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे हैं जो वीवो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको उस फ़ीचर्स के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आज हम वही फ़ीचर्स आपको बताएंगे। दोस्तों, फीचर्स हम थोड़े ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप वीवो फ़ोन चलाते हो तो आपको यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे स्लाइड कर कर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता होगा, स्मार्ट मोशन। दोस्तों, यह स्मार्ट मोशन सिर्फ वीवो फ़ोन में ही आते हैं और कोई फ़ोन में यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो स्मार्ट मोशन है यह काम कैसे करता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। आपको जाना है स्मार्ट वेक, यानी स्मार्ट मैंने आपको बताई है बहुत। तो दोस्तों, आपको क्या बताना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इन सबको इनेबल कर देना है। और दोस्तों, अब मैं इनके बारे में आपको बताऊँगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबको दिख रहा होगा सबसे ऊपर है स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक। तो दोस्तों, जब आप इसे स्लाइड करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन का लॉक है जो वो एकदम ओपन हो जाएगा और आपका स्क्रीन पर लॉक दिखने लगेगा जो आपने पैटर्न लगा रखा है या पासवर्ड लगा रखा है। और दोस्तों, उसके बाद है सेकेंड। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर से नीचे को उंगली फेरेंगे या ऊपर से नीचे को स्लाइड करेंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से बिना लॉक खोले ही फ़ोटो निकाल सकते हैं या फ़ोटो खींच सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको नंबर तीन दिख रहा होगा, ड्रो सी टू लॉन्च डायलर। दोस्तों, आपके लॉक स्क्रीन पर ही, अगर आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो ऑफ है, तो आपको इस पर स्लाइड करना है यानी सी बनाना है और आपका डायलर यानी फ़ोन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप नंबर मिलाकर दूसरे पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है एम। अगर आप स्क्रीन पर एम बनाएंगे तो जो आपका म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप दोबारा एम स्लाइड करेंगे स्क्रीन पर, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए स्क्रीन पर। मतलब जैसे आप स्क्रीन जब ऑफ होती है ना, तो उस पर स्लाइड करना है। तो आप अगर एम स्लाइड करेंगे तो म्यूजिक बज उठेगा, और अगर आप दोबारा एम स्लाइड करेंगे तो म्यूजिक बंद हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आप लेफ़्ट राइट स्लाइड कर सकते हैं, जिससे आपके गाने चेंज होते रहते हैं। अगर आप लेफ़्ट स्लाइड करेंगे तो आपका लेफ़्ट वाला गाना कट कर नेक्स्ट बज जाएगा। दोस्तों, उसके बाद होता है ई। अगर आप स्क्रीन पर ई स्लाइड करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र आते हैं फ़ोन में, जो मेन ब्राउज़र आता है, वो ओपन हो जाएगा और आप नेट चला सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है डब्लू। अगर आप अपनी ऑफ स्क्रीन पर डब्लू स्लाइड करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उससे आपका व्हाट्सअप ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पर चल जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद आता है एफ़। तो दोस्तों, एफ़ ऐट द रेट, अगर आप एफ़ ड्रॉ करोगे तो फेसबुक ओपन होगी, अगर आप ऐट द रेट ड्रॉ करोगे तो आपकी ईमेल ऑन हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद आपको एयर एप्लीकेशन को छोड़ देना है, यह आपको मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों, उसके बाद आता है स्मार्ट टर्न ऑफ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। दोस्तों, यह बहुत टॉप फीचर्स है और यह वीवो फ़ोन का मुझे सबसे अच्छा फीचर्स लगता है, क्योंकि आपको देखा होगा कि जो आपका टर्न ऑन का बटन होता है यह जल्दी ख़राब हो जाता है। यह इसलिए ख़राब हो जाता है कि आप इसे दबाते हैं, फिर दबाते हैं, ऑफ़ करने के लिए दबाते हैं, ऑन करने के लिए दबाते हैं स्क्रीन। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा राइज टू वेक, आपको यह ऑन नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप यह ऑन कर दोगे तो आप जब भी स्क्रीन पर देखोगे तो आपकी स्क्रीन एकदम जल जाएगी, तो यह आपको ऑन नहीं करना। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डबल क्लिक टू लाइट। अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप यानी दो फ्री उंगली मारेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वह जल उठेगी यानी ऑन हो जाएगी, तो इससे आप बटन दबाने से बच जाएंगे। और दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्मार्ट की ब्राइट, यह आपको ऑन नहीं करना है। दोस्तों, इससे क्या होगा, अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो जो आपकी ब्राइटनेस है फ़ोन की वह ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप चांदने में जाएंगे, जो सूरज की रोशनी में जाएंगे,
तो उसकी ब्राइटनेस अपने आप ही कम हो जाएगी। तो यह भी एक आ रहा है, इसे आपको ऑन नहीं करना है। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, अगर आप इसे डबल टैप करेंगे ऑन स्क्रीन पर तो यह बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप बटन दबाने से बच जाएंगे। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट फीचर बताता हूँ दोस्तों, इसके बाद आया स्मार्ट कॉल। दोस्तों आपको स्मार्ट कॉल आप कर सकते हैं और या नहीं भी कर सकते हैं। स्मार्ट कॉल इसका मतलब है आप किसी नंबर पर किसी का नंबर डायल कर सकते हैं, उसे दबा कर रखेंगे तो हो जाएगी। इसके बाद आया स्मार्ट आंसर। दोस्तों स्मार्ट आंसर का मतलब है अगर आपके पास फ़ोन आया और आपको कान पे लगाना है और सिर्फ हेलो बोलना है तो यह ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा फ़ोन और आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर कोई ड्रो नहीं करना, आपको सिर्फ हेलो बोलना है कान पर लगाकर और जो फ़ोन होगा अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। इसके बाद है स्मार्ट स्विच, यह भी आपको मैंने बता दिया पीछे। स्मार्ट म्यूट, और आप अगर फ़ोन आ रहा है अगर आपने यह मतलब कि उल्टा करके रख दिया फ़ोन, यानी स्क्रीन की तरफ से नीचे धर दिया फ़ोन, तो यह म्यूट हो जाएगा और जिसका फ़ोन आएगा घंटी नहीं बजेगी। और दोस्तों के बाद है हैंड्स फ्री, और दोस्तों अगर आप इसे हिलाएंगे तो यह हैंड फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों यह मैं वो नहीं करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो दोस्तों उसके बाद आता है नेक्स्ट, सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। अगर दोस्तों आप इसे फ़ोन को हिलाते हैं यानी सेक करते हैं हिलाते हैं तो आपकी जो फ्लैश लाइट है बैक फ्लैश लाइट वह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और वह जल उठेगी। तो दोस्तों आज के फीचर्स यही थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें या आप हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।